नमस्कार, आप देख रहे घर पर नजर और आइए आज कुछ बड़ी खबरों में नजर आते हैं। ये अगरबत्ती वाला अगरबत्ती रुको दादा, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? अफजल नाम है। और कितना समय से बेच रहे हो अगरबत्ती? हो गया 8-9 साल हो गया। अच्छा, और कहाँ कहाँ बेचते हो? मैं बेचता हूँ रंजीत हनुमान मंदिर, फिर अपना मऊ नाका। और आपको बिल्कुल, आप कहाँ रहते हो? शेरपुर में रहता हूँ। अच्छा, तो वहाँ से पैदल पैदल ही सब जगह बेचते हो? हाँ, सब जगह पैदल पैदल ही बेचता हूँ। और आपको दिखाई नहीं देता है तो उसमें कब से नहीं दिखाई नहीं देता कि बचपन से नहीं दिखाई देता आपको? बचपन से नहीं। अच्छा, 19 साल की उम्र में बंद हुआ है। अच्छा, तो वो अपने आप हुआ था कि कोई बीमारी लगी थी? वो तो डॉक्टर के ऑपरेशन से खराब हो गया। अच्छा, तो बाकी आपका परिवार कैसे चलता है अभी? अभी तो अपनी शादी नहीं हुई, अपन अकेले आदमी है। अच्छा, अकेले आदमी हो तो आप अपना जीवन यापन इसी से करते हो? हाँ, इसी करते हैं। अच्छा अच्छा, दिन भर में कितना का रोजगार हो जाता है फिर भी आपका? हाँ, दिन भर में कितना का रोजगार हो जाता है? दिन भर में हो जाता है 250-300 रुपये का रोजगार। अच्छा, लोग आपसे बिल्कुल आगे रखे बुला के ले लेते आते हैं कि आप बकाते जितने आते लेते आते? लोग आ जाते हैं, जब आवाज़ मारता हूँ ना। हाँ हाँ, तो लोग खुद ही आवाज़ लगा लेते हैं, जैसे कोई दुकानदार है। हाँ हाँ, तो दुकानदार खुद ही आवाज़ लगा देता है भैया रुकना। हाँ हाँ हाँ, तो अपन रुक जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अगर मान लो उसके कोई वर्कर है। हाँ हाँ हाँ, तो बुला लेता है। हाँ, हाथ पकड़ के वर्कर के हाथ वाला। अच्छा अच्छा अच्छा, और अगर किसी का वर्कर नहीं है तो अपने को बोलते जाता है, बोले क्या सीधे सीधे आ जाओ। हाँ हाँ, आप दुकान के ऊपर आ जाओगे। अच्छा 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 अच्छा, तो ऐसे चले जाते हैं। अच्छा ठीक है दादा, मेरा नाम शैलेंद्र जैन है। हाँ, है ना, मैं पत्रकार हूँ। और आपको देखा तो मैंने कहा आपसे भी काफ़ी सारे लोगों को सीख मिलना चाहिए कि बहुत सारे लोगों के हाथ पर होने के बाद भी भीख मांगते, और आपने आप इतने आपको दिखता नहीं, इसके बावजूद भी आप इतने सालों से अपना पेट पाल रहे हो और बिना मांगे लोगों से हाथ पैर मांगे, ये बहुत अच्छी बात है हमारी ओर से। बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं आपको मेरा नंबर भी देता हूँ, है ना? ठीक है ठीक है, धन्यवाद दादा। सर, एक चीज़ और कहना चाहता हूँ। हाँ बोलिए बोलिए, आपको कुछ कहना तो बोलिए। और एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, जैसे मेरी माँ है। हाँ, उसने मेरे को घर से निकाल दिया है। ठीक है, ये इल्ज़ाम लगा के मैं उसके मुँह के साथ में जबरदस्ती करता हूँ। हाँ हाँ, और जो मेरी भतीजी है। हाँ, उसको कॉल लगा के छेड़ता हूँ। ठीक है ठीक है। हाँ हाँ, दूसरा ये पेपर में देना है। हाँ, आपको पेपर में अगर छापना चाहता है तो पेपर में ये देना कि जिनका परिवार भी अच्छा है फिर भी वो लोग हमको इस प्रकार से प्रेरित कर रहे हैं। हाँ, अभी मैं खुद का स्वयं का धंधा कर रहा हूँ। हाँ, उसके बाद में भी जैसे मेरे जो जान पहचान के लोग हैं। हाँ, जो लोग मेरे को सपोर्ट करना चाहते हैं। हाँ, उन लोगों को जाके भड़काती है, बोले कि तुमको मैं मरवा दूंगी, ये करवा दूंगी। अच्छा क्या? हाँ, तो अब जो सपोर्ट करने वाले हैं वो भी सपोर्ट नहीं कर पा रहे मेरे को। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं आपको मेरा नंबर भी देता हूँ, मेरा कार्ड भी देता हूँ, है ना? कभी भी आपको कोई भी समस्या हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, बिल्कुल आप मुझे फोन करना। बकायदा आपको जहाँ हो जैसी परिस्थिति में होगा हम आपको बिल्कुल सहयोग करेंगे हर तरह से। ठीक है, आपका पूरा नाम बताओ, कहाँ रहते हो आप? मैं रहता हूँ सिरपुर धार रोड में। अच्छा, आपका नाम क्या पूरा? पूरा नाम अफजल अब्दुल रशीद है। ठीक है भैया, है ना, धन्यवाद। मेरा नाम अब्दुल रशीद है, मेरा नाम अफजल है। ठीक है, क्या आपको या आपके परिवार में किसी को कम सुनाई देता है तो आज ही लगाएं नई टेक्नोलॉजी वाली कान की मशीन मात्र 1600 रुपए में। जी हाँ, आपने सही सुना, कान की मशीन 1600 रुपए में। अभी ऑर्डर करें कान की मशीन। क्या आपको आपके परिवार में किसी को बवासीर, भगंदर, मसी की समस्या है? जलन वदर से मुक्ति पाने के लिए आज ही हमसे संपर्क करें और आज और अभी कॉल करें। धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल पर सिलेक्ट कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।